आप सब खैरियत से हैं, मज़े में हैं। और जो है आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि लाइट बहुत ही ज़्यादा जा रही है और हर घर की रूटीन ख़राब हुई हुई है। एक घंटा आती है और दो तीन घंटे लाइट जा रही है, हर जगह लाइट ने बहुत ही ज़्यादा तंग किया। रूटीन बहुत ख़राब हुई हुई है, इस वजह से दो तीन दिन मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। लेकिन जो है आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हमारे किचन में बन रहे हैं चिकन चीज़ पराठे, और वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, मेरे साथ रहना है। और अब हम सीधा चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, तो पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो है चिकन। चिकन जो है उसको मैंने कर लिया था बॉईल करके जो जिस टाइम मैंने इसको किया था, ये हाफ के जी चिकन मैंने लिया था। इसके अंदर जो है मैंने दो तीन जवे लहसुन के डाल के इसको मैंने अच्छे से बॉईल करके, और इसको थोड़ा सा मैंने बारीक बारीक सा कूट लिया था। एक तो छोटे छोटे पीस करती हूँ ना, वो नहीं मैंने किया था, इसको मैंने कूट लिया था क्योंकि इसके मैंने पराठे बनाने हैं। तो जब हम इसका पराठा बनाते हैं ना, तो पराठे जो अगर मोटे मोटे इसके पीस हों ना, बहुत ही ज़्यादा मोटे, तो पराठा हमारा टूट जाता है। इसलिए आपने कोशिश करनी कि जो चिकन है ना वो इस तरह से थोड़ा सा बारीक बारीक सा आपने किसी भी चीज़ में, पूरी डंडा आपके पास पड़ा उसमें डाल के आप ना उसको पीस लें। उसके बाद आते हैं, मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था और उसको इस तरह से बारीक काट लिया था मैंने। और यहाँ पे है मेरे पास सारे मसाले मैंने मिक्स कर लिए थे। स्क्रीन पे जो है मेंशन कर दूँगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूँगी। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या मैंने मसाले लिए हैं। कुछ ज़्यादा नहीं लिया, हाफ टी स्पून, ये वाला जो टी स्पून है ठीक है, ये मैंने लिया था हाफ टी स्पून नमक, क्योंकि हमारे पास जो मायोनीज़ और केचप भी है तो उसमें भी जो है नमक होगा। तो हाफ टी स्पून जो है मैंने नमक लिया था, और हाफ वन टी स्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली थी। उसके अलावा जो ही वन टी स्पून यही वाला टी स्पून मैंने टिक्का मसाला लिया था। टिक्का मसाला आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं ठीक है। और उसके बाद मैंने टिक्का मसाला अगर आपके पास नहीं है तो हल्का सा जो है ना एक चुटकी बराबर आपने गरम मसाला डाल लेना है। उसके बाद जी आता है मैंने और क्या लिया था, काली मिर्च ली थी हाफ टी स्पून, और चिकन पाउडर मैंने लिया था वन टी स्पून, टू टेबल स्पून मैंने ली थी केचप, मैंने ली थी गार्लिक वाली केचप ली थी, आप सिंपल वाली भी ले सकते हैं ठीक है। और उसके अलावा मैंने टू टेबल स्पून ही मायोनीज ली थी, और जी चीज़ जो है क्योंकि चीज़ वाले पराठे बन रहे हैं, चेडर चीज़ मैंने ली है। आपके पास मोज़रेला चीज़ है आपके पास, अच्छा चेडर चीज़ ली है, और मैंने ली है चीज़ स्लाइस ली है ठीक है। आपके पास आप जो भी आपके पास अवेलेबल है ना, अगर आपके पास ये है, अगर आपके पास चेडर चीज़ है, अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है, वो आप जो भी आपका दिल करता है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी मैदा। मैदे के अंदर जो है मैंने थोड़ा सा आटा मिक्स कर लिया था घर का, तो आप सिंपल आटा जो आपका घर का होता है उसके भी पराठे बना सकते हैं ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम का जो है हम गूंद के रख लेंगे साइड पे, ताकि जब तक हमारा ये चिकन का जो मैं सारा कुछ बनाऊँगी मिक्स करूँगी, तो हमारा जो आटा है वो अच्छे से जितनी देर ये पड़ा रहेगा उतने ही ज़्यादा अच्छे पराठे बनेंगे। तो हम सबसे पहले आटा गूंद लेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ आटे में मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून नमक, वन टेबल स्पून भर के चीनी का। अब मैं इसमें जो है थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी ठीक है। इससे एक ये होगा कि जो हमारे पराठे हैं वो बनेंगे खस्ता और बहुत ही मज़े के बनेंगे। और अब ना जो है मैं इसको गूंद के रख लूँगी। आटा जो है वो हमने जो है अभी गूंद लिया है, थोड़ा सा इसको हम रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए ज़रा साइड पे रखेंगे। उसके बाद इसको हम दोबारा गूंद लेंगे आटे को, और 10-15 मिनट तक हम अपना जो है बाकी का जो बाकी की चीज़ें हैं वो मिक्स कर लेते हैं। और अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि फ्राई पैन में मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, और इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। इसको जो है हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, कलर चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है चिकन। ऐड करके हमने इसको जो है मिक्स कर लेना है अच्छे से। चिकन बॉईल करते हुए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर लहसुन लाजमी जो है ऐड करना है, दो से तीन जवे बॉईल करते हुए डाल देने हैं। इससे जो है चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें मैं सारे जो मसाले हैं वो ऐड कर दूँगी। पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, क्योंकि जब हम इसमें मायोनीज़ और केचप डालेंगे तो ये खुद ही मिक्स हो जाएंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। एक मिनट के लिए जो है ना लो फ्लेम पे हमने इनको बनाना है, मिक्स करना है ताकि जो चिकन है वो चिपके ना। ऐसे ऑयल
ऑयल आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही ज़्यादा कम डाला था। अगर हम ज़्यादा ऑयल डाल देंगे इसके अंदर तो जो है पराठे के अंदर अगर हम जब इसको फिल करने लगेंगे ना तो फिर बहुत ही मतलब पराठा सही नहीं बनता हमारा, इसलिए आपने ऑयल जो है थोड़ा कम डालना। तो साथ ही इसमें जो है मैंने हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर ऐड किया। हमने क्या करना है, अब हमने चूल्हे को कर देना है बंद। फिर जो है इसमें हमने ऐड कर देनी है केचप, बिल्कुल लाइट लाइट हमने ये सारी चीज़ें डालनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए। अगर आपको केचप मायोनीज़ ज़्यादा मतलब इसे टेस्ट पसंद है इनका तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और अब जो है इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये जो हमारा पराठे के अंदर फिल करने वाला मटेरियल जो है चिकन वाला वो रेडी हो चुका है। और अब जो है हम जाएंगे अपने थर्ड स्टेप की तरफ। ये तो आटा जो था वो हमारा सेट हो गया था और अब हम जो है बना लेंगे पराठे। सबसे पहले जो है एक नॉर्मल जो साइज होता है पराठे का उसका जो आप पेड़ा लेते हैं उससे थोड़ा सा आपने कम ले लेना है पेड़े को, ठीक है। और जो है सबसे पहले हमने जो है क्या करना है पेड़े को बल दे देना है, यानी कि जो दोनों साइडें होंगी ना वो बल वाली ही हम बनाएंगे, सिंपल बेल के हमने नहीं बनानी है। इस पे हम जो है थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर ऐड करेंगे। अगर आपके पास कटर है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है इस तरह से छुरी की मदद से इस पे ऐसे हल्के हल्के से कट लगा देंगे। हमने इसको बिल्कुल तोड़ना नहीं है, बस हल्के हल्के से ऐसे कट लगाएंगे। लास्ट वाला जो हिस्सा है उसको हम छोड़ देंगे। बस ठीक है। और अब इस तरह से इसको हमने कर लेना है इकट्ठा करके और इसको हम ऐसे राउंड कर लेंगे। आपका जो है वो पराठा उसका जो पेड़ा है वो इस तरह से आप कर लें, जितना आपसे आसानी से ये इसका साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है आप कर लें। कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा इसको प्रेस ना करें, जो बल होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। अब हम इसमें जो है ये चिकन उसको अच्छे से लगा देंगे सारा ना, दरमियान में जो है हम हल्का सा फिल कर लेंगे, कॉर्नर जो है उसके छोड़ देंगे ताकि जो है वो ऊपर से जब हमने उसको चिपकाना है, ठीक है। और अब हम जो है साथ ही चीज़ ऐड कर देंगे इसके ऊपर। और ये जो साइज की चीज़ थी ये भी हम जो है इसको छोटा छोटा करके चारों तरफ इस तरह से कर देंगे, इसको हल्का हल्का से ऐसे दबाएंगे। जो कॉर्नर है इनको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये जो पराठा है वो टूटे ना हमारा। ये अब हम जो है इसको ऐसे अपने हाथ पे उठा लेंगे और हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा हमें बड़ा कर लेना है, क्योंकि बनाते हैं जल्दी से। हमने हल्की आंच पे बनाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं रखनी है हमने इसकी, एकदम से जल जाता है इसलिए हम इसको हल्की आँच पर बनाएंगे। अब इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे, हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। और अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। और पेड़े हैं वो इसलिए बल वाले बनाए थे कि जो ये क्रिस्पी इनकी जो साइड्स होती हैं ना ये क्रिस्पी हो जाती हैं। पराठा बहुत मजे का क्रिस्पी सा बनता है, तो आप इस तरह लाजमी ट्राई किया करें। कोई भी आपने पराठा बनाना होता है ना तो आप ये वाला जो है लाजमी ट्राई किया करें कि आपको जो है दो जो हम सिंपल वाले पेड़े भी बनाते हैं डबल साइड को कवर करने के लिए, तो हम वही बल वाले पेड़े बना लें तो बड़े अच्छे से बन जाते हैं पराठे और बहुत मज़े के बनते हैं जी। तो पराठा हमारा रेडी है और इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। नाइफ की मदद से जो है इस तरह से हम कट लगा लेंगे। और आप
ये देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो चीज़ पराठा है वो रेडी है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा। बाजार से तो कहीं ज़्यादा टेस्टी आप घर पे बना सकते हैं। इस तरह से आपने ट्राई करना है लाजमी रेसिपी को। आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।